कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकदल ने अपनी सक्रियता एकाएक बढ़ाकर हलचल पैदा कर दी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पैतृक गांव पहुंचकर पार्टी के महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह ने इस बेल्ट की राजनीति के केंद्र को सोचने दशा में ला दिया है। पैतृक गांव नूरपुर मढ़ैया के वासिंदों ने भी एक स्वर में ये कह दिया कि आज से पहले कभी भी चौधरी चरण सिंह को उनके ही गाँव में इस तरह से सम्मान नहीं मिला और न ही उन्हें इस तरह से याद किया गया है। यहाँ बाकायदा एक समारोह का आयोजन किया गया। गांव गांव से इकट्ठा किए गए दूध की मिठाई बांटकर चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाते हुए उन्हें याद किया गया। इस मौके पर चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि किसान मजदूर व गरीबों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न लोकदल दिलाकर रहेगा। आगामी दिवस यानी कि कल लोकदल किसान घाट पर भी बड़े चौधरी साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा। इस मौके पर लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव ने पार्टी के चुनाव चिन्ह खेत जो तक किसान की तर्ज पर गांव में ही हल चलाकर नया राजनीतिक संदेश समाज को दे दिया है। चौधरी चरण सिंह द्वारा स्थापित लोकदल के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह ने कमान संभालते ही जाट बाहुल्य इस बेल्ट को लोकदल के झंडे बैनर व पोस्टर से पाट दिया है। जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है उसने सभी राजनीतिक विरोधियों के सामने एक बड़ी लकीर खींच दी है। इस क्रम में आज चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उनके पैतृक गाँव नूरपुर मढ़ैया में भव्य समारोह कर राष्ट्रीय लोकदल को भी कड़ी चुनौती दे दी है। चौधरी विजेंद्र सिंह ने घोषणा की है, चौधरी चरण सिंह का नाम वोट पाने की खातिर तो किया जाता रहा है लेकिन उसके बाद उन्हें कभी याद नहीं किया जाता और यही कारण है कि समाज को इतना सब कुछ देने के बाद भी उन्हें भारत रत्न से नवाजा नहीं गया है। यह उपेक्षा अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समारोह स्थल पर कुछ ऐसा नजारा देखने में आया। किसान भाइयों से और सम्मानित ग्रामीणों से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। प्लीज सभी लोग व्यवस्था को बनाए, सभी से विनम्र आग्रह है कि वो सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, कुर्सियों पर बैठ जाएं। मेरा सभी से अनुरोध है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। स्वागत चौधरी विजेंद्र ठेकेदार जी भी आ जाए। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि वो आकर के हमारे मुख्य अतिथि चौधरी विजेंद्र सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। प्लीज मंच पर आ जाए चौधरी कोबीर सिंह भैया वाले, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। कृपया मंच पर आकर के माल्यार्पण कर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, 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 स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह। चौधरी विजेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी विजेंद्र सिंह जिंदाबाद, लोकदल पार्टी जिंदाबाद, चौधरी विजेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह हमारे, चौधरी चरण सिंह हमारे, चौधरी चरण सिंह लोकदल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, इस मौके पर मीडिया से वार्ता करते हुए लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह ने यह कहा। ऐतिहासिक पक्ष है, देश की धरती सेना उगले उगले हीरे मोती। ऐसे ही आज एक कहानी सच्चाई में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के पैतृक गांव नूरपुर से इस बार लोकदल ने ठानी है कि हर हाल में हमको दिलाना है भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को। चौधरी विजेंद्र सिंह आज अपने उसी माटी का कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे हैं और हल जोत के ये संदेश देना चाहते हैं दिल्ली तक कि हर हाल में उनको किसी भी हालत में माटी के लाल को भारत रत्न दिलाना। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, आज आपको अपना बचपन याद आया, अपने बुजुर्ग याद आए। ये वही जोड़ी है हीरा मोती की कि जिसने हमेशा किसान के साथ काम किया और देश को खाना दिया है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए
किसान हमेशा अन्नदाता के रूप में जाना जाता है और अन्नदाता भगवान से कम नहीं होता। किसान जैसे मैंने पहले बताया पानी भी है और अन्न भी है, और आज किसान पानी का काम कर रहा है, वो जितना सरल है वो उतना कठिन भी है। 121 साल पहले इसी धरती से उठे थे चौधरी साहब, अब चौधरी साहब के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उनकी सरकार से आपकी क्या मांग है? देखिए, हम सब की यहाँ पर केवल एक ही मांग है कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिलाया जाए, और अगर वो भारत रत्न दिलाएंगे तो इससे जैसा वो सब लोग बोलते हैं कि किसान भी एक बिरादरी है, तो इस बिरादरी का मान सम्मान होगा, और अगर इस स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं मिलेगा तो ये पूरे किसान बिरादरी की, किसान समाज की अनदेखी है और पूरे किसान समाज का अपमान है। देखिए, ये एक आवाज यहाँ से उठी है और अब बैल आगे को चलेंगे, और इसी तरीके से इनका कहना है कि ये यात्रा पहुंचेगी हमारी हर हाल में। 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर की पूर्व संध्या पर यहाँ से हल जोते जा रहे हैं, और ये यात्रा यहाँ से शुरू होकर दिल्ली किसान घाट तक जाएगी, और चौधरी चरण सिंह ने देश की बागडोर संभालने के साथ साथ पांचवें प्रधानमंत्री के रूप में किसानों की बात पूरी देश दुनिया तक पहुंचाई थी, और ये बताया था कि क्यों किसान देश के लिए जरूरी है। जब किसान का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। उन्हीं के पर चिन्हों पर चलते हुए एक नई मिसाल कायम करने की कोशिश लोक दल कर रहा है। चौधरी साहब, किसान अगर तरक्की करेगा तो पूरा देश तरक्की करेगा, ये कहना था पूर्व प्रधानमंत्री का, चौधरी साहब का, आप इस लाइन पे कैसे आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, किसान की तरक्की के बिना इस देश का विकास संभव नहीं है। यह देश तभी विकसित हो सकता है जब किसान खुशहाल होगा। जी हाँ, आज आपको हम दिखाएंगे चारों तरफ से कि यहाँ किसानों को देखने के लिए, इस पूरे दृश्य को देखने के लिए गांव उमड़ आया है, और एक बार फिर से युवा अंगड़ाई ले रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि ये आवाज दिल्ली तक पहुंचे और किसानों के संग न्याय हो, उनकी मांगे सुने आगे बेटा, और भारत रत्न को लेकर आपका क्या कह रहा है? आम आदमी की आवाज है। अगर हमारे चौधरी साहब को भारत रत्न नहीं देती है सरकार, तो हमें बहुत बड़ा आंदोलन होंगे जिसमें किसान मजदूर पूरी सब सात अपराधा होगी। उसके लिए हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। भाई साहब विजेंद्र सिंह देश देश में देखिए आ रहे हैं जो बताना चाहते हैं। आप बताइए भाई साहब, आप इसी गांव के हैं, ये गांव के प्रधान है, गांव के प्रधान है, अपना नाम बताइए। और ये गांव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से धरती के लाल निकले थे चौधरी पदम सिंह। हाँ बताएं आप, खास तौर पे जिस मसीहा की हम बात कर रहे हैं उसके लिए आप सरकार से क्या मांगते हैं? सरकार से हम भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, और साथ कल हमारा वो है दिल्ली का 1000 किसान उसमें ट्रैक्टरों का यात्रा निकलेगी। आप बताइए क्या आज मिठाई मिट्टी यहाँ से संकल्प लेंगे, मिट्टी उठाएंगे इस खेत से आप लोग? देखिए, ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जन्मभूमि है और हम इसीलिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिलाने के लिए। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से 5000 से भी ज्यादा गांवों में मिट्टी लाई जाएगी और 5000 गांवों से मिठाई लाई जाएगी, और कल उस गांव की मिट्टी, उस गांव की मिठाई, यानी कि किसी भी गांव की मिट्टी और किसी भी गांव की मिठाई, जो सब लोगों ने एक उत्सव की तरह मनाया जा रहे हैं, सारे गांव से इकट्ठे करके दिल्ली जाया जाएगा और सब लोग एकजुट होकर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिलाने की मांग करेंगे। मेरा भारत सरकार से यह अनुरोध है, हम सब लोगों का यह आग्रह है कि कल उनके जन्म दिवस पर उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। किसानों को अगर वो चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि किसान जिंदा रहे, किसान आगे बढ़े, तो उनके सम्मान से समझौता ना करें। ये किसानों के सम्मान की लड़ाई है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे और किसानों का मान बढ़ाए। देखिए, ये कहना है सीधे तौर पर चौधरी विजेंद्र सिंह का, और चौधरी विजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हमको भारत रत्न से कम पर कोई भी चीज स्वीकार नहीं है। यही किसानों की आवाज है, यही देश की आवाज है, यही युवा की आवाज है। इसीलिए खास तौर पर ये कार्यक्रम यहाँ से शुरू किया जा रहा है पूर्व संध्या पर। 121वीं जयंती चरण सिंह को देखते हैं कि क्या धरती के इस लाल को भारत सरकार ये मान देगी।
मैं प्रखर प्रकाश मिश्रा फर्स्ट बाइट के लिए नूरपुर से। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।